नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। इस वक्त की बेहद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय मौसम विभाग ने आंधी तूफान बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया। देश के कई राज्यों में अगले कुछ ही घंटों के दौरान आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के तकरीबन 10 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का हाई अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही राजस्थान समेत तकरीबन 5 राज्यों के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का हाई अलर्ट जारी हो चुका है। पूर्वी पश्चिमी भारत की बात करें तो 3 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक हल्की बारिश होने वाली है। बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। इधर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल में 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई गई है। राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी चलने को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक धूल भरी आंधी का यह सिलसिला राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगा। तो दोस्तों, आप देश के कौन से राज्य से हैं, आपके राज्य में मौसम कैसा है, आप कमेंट करके जरूर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।